बनारस ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी है, इसमें हम आप सबका उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करते हैं। आज हम स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से यहाँ पर एकत्र हुए हैं। जैसा कि आप सब लोगों को आज के इस उद्देश्य के बारे में हमारे डायस से बताया गया, आप लोग सौभाग्यशाली हैं, विशेष रूप से बनारस के लोग, जो आपने जिन लोगों जिनको एमपी यहाँ से बनाया था वो प्रधानमंत्री बन गए। और ये उन्हीं की परिकल्पना है कि कुछ विशेष शहरों को चयनित करके फर्स्ट फेज में उनको स्मार्ट बनाया जाए। स्मार्ट से ताल्लुक यह है कि हम जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो आवश्यक सुविधाएं हैं, जो बुनियादी ढांचा है, उसको हम चुस्त दुरुस्त करें, उसको सेट राइट करें। और जो प्रकृति प्रदत्त सुविधाएं हैं, मनुष्य को मिली हैं, खुली हवा, साफ सुथरा माहौल और हर प्रकार से एक डेवलपमेंट करने का, हम इंडिविजुअल डेवलपमेंट कर सकें, एक ऐसा वातावरण हमारे सराउंडिंग हो, मैं समझता हूँ कि यह अपने आप में स्मार्ट की सही परिभाषा होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने, जब से उत्तर प्रदेश सरकार आई है, तब से इस दिशा में कई महत्वपूर्ण काम किए। वैसे तो आज का इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य विशेष रूप से है, यह है कि हम जो भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक्सपीडाइट करें, जल्दी से जल्दी वो सुविधाएं, बुनियादी ढांचा जिसका अभाव रहा है किसी न किसी रूप में, उसको हम परिपूर्ण करें। और चूंकि हम बहुत तेज चलने की स्थिति हमारी नहीं है, लेकिन हम फिर भी इस बात को चाहते हैं कि जो काम लक्ष्य दिया जाए जिस समय में, उस लक्षित समय में पूरा ज़रूर हो। सबसे पहले आवश्यकता है स्वच्छता की, सफाई की। माननीय मोदी जी ने, अगर गांधी जी के बाद हम ये कहें कि माननीय मोदी जी ने इस विषय पर सबसे ज़्यादा इम्फेसिस किया है, सबसे ज़्यादा इसको फोकस किया है और एक तरीके से जन सामान्य को इसका एहसास कराने के लिए, जन सामान्य को इसमें जोड़ने के लिए, आम आदमी इसकी उपयोगिता और आवश्यकता समझे और इसको अपनी दिनचर्या का अंग बनाए, इसको अपनी दिनचर्या में शामिल करे, इस प्रकार का वातावरण उन्होंने बनाने का प्रयास किया है। और मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत कुछ कामयाबी भी उनको मिली है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में एक शासनादेश भी जारी किया, स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति बनाने का। उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन हम सीख करते हैं, 7 से लेकर 15 सदस्य प्रत्येक वार्ड में इसमें चयनित किए जाएं, जो लोग रिटायर्ड हों, जो लोग जनसेवी भावना रखते हों, जो किसी न किसी रूप में माउथ पब्लिसिटी के द्वारा लोगों को कन्विंस करके, लोगों को बताकर हमारे आसपास का वातावरण साफ सुथरा रहे, इसके लिए एक 7 से लेकर 15 लोगों की समिति बनाई जा रही है। हम आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं, जनप्रतिनिधियों से भी हम उम्मीद करते हैं कि इसमें उन लोगों का भी सहयोग रहे, क्योंकि नगर निगम के, नगर पालिका परिषद के कुछ कर्मचारी प्रातःकाल सफाई करके चले जाएंगे, दिन भर हमको इसी माहौल में रहना पड़ेगा। और हम जिस प्रकार से अपनी दिनचर्या हम चलाते हैं कि हम
चाहे मूंगफली खाएं, सिंघाड़ा खाएं, केला खाएं, टॉफी बिस्कुट या चॉकलेट खाएं, तो उसका रैपर और छिकला कहाँ फेंकें, इसके लिए हमको भी सोचना पड़ेगा कि आखिरकार हमारी क्या ड्यूटी है। दुनिया के जितने मुल्कों ने तरक्की की उनमें सिटीजन्स की ड्यूटी ज़रूर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, और सिटीजन्स अगर ड्यूटी अपनी पूरी करें तो मैं समझता हूँ कि उससे जुड़े हुए लोगों को अपना अधिकार स्वतः मिल जाता है। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता यहाँ पर यह है कि हम एक वातावरण बनाएं, एक माहौल बनाएं सफाई का, एक एटमॉस्फियर फियर क्रिएट करें कि जिसमें आम आदमी इस बात को महसूस करे। हमारे यहाँ दो प्रकार की ट्रेनें चलती हैं, एक मेट्रो ट्रेन, एक रेलवे का ट्रेन। जो स्थिति है दोनों में कि मेट्रो ट्रेन में अगर गंदगी होती है तो फौरन वहाँ जुर्माना होता है, और बाकी जो ट्रेन चलती हैं उसमें जुर्माने की व्यवस्था नहीं है। अगर हम कोई कूड़ा फेंकते हैं, किसी प्रकार का उसमें थूकते हैं, तो उसमें जुर्माने की व्यवस्था नहीं है। दोनों की अलग अलग खसूसियत, दोनों की अलग अलग पहचान की जा सकती है, और दोनों को अलग अलग तरीके से भी देखा जा सकता है। तो आवश्यकता इस बात की भी है कि हम सबसे पहले माहौल बनाएं और उस माहौल में हम आम आदमी को चलने के लिए विवश करें। विदेशों से लोग बच्चे आते हैं, वो टॉफ़ी खाते हैं तो रैपर जेब में रखते हैं, और जब कोई डस्टबिन आता है तो उसी में डालते हैं। ये बात उन्होंने अपने देश के माहौल से सीखी। यहाँ का भी कोई बच्चा अगर विदेश में जाता है तो वो भी यही प्रक्रिया अडॉप्ट करता है, क्योंकि वहाँ का माहौल ये नहीं है कि जहाँ तहाँ टॉफ़ी खाओ, रैपर फेंक दो, चॉकलेट खाओ, उसका कवर फेंक दो, माहौल नहीं। इसलिए हमको सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम ऐसा माहौल, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जिसमें आम आदमी इसकी आवश्यकता को, उपयोगिता को महसूस कर सके। जो परिस्थिति है हमारी, चाहे शौचालय बनाने की, कम्युनिटी टॉयलेट्स, कम्युनिटी लैट्रिन्स, इंडिविजुअल टॉयलेट्स, उसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे ज़्यादा जोर दिया है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में हमने एक शासनादेश अपने नगर विकास से करके उसमें भी अमाउंट भी बढ़ाया है। उसमें 20,000 रुपये इंडिविजुअल टॉयलेट्स के लिए उन लोगों को दिए जाएंगे जिन घरों में टॉयलेट्स नहीं हैं। ये उस दिशा में उठाया हुआ एक अच्छा कदम है, और हम समझते हैं कि हमारे बहुत इस कदम का, ख़ास तौर से स्लम्स में, गरीब बस्तियों में, इसका बहुत ज़्यादा स्वागत भी किया गया है कि जो ये अमाउंट बढ़ाया गया है 20,000 रुपया सरकार की ओर से दिया जाएगा। अभी तक 4,000 रुपये केंद्र सरकार देती थी, 4,000 रुपये राज्य सरकार, लेकिन हमने इसको बढ़ाकर टोटल 20,000 रुपये किया। पार्कों का निर्माण, पार्किंग की व्यवस्था सुदृढ़ हो, क्योंकि बढ़ते हुए आबादी और कंजेशन में हमारे पास पार्किंग की व्यवस्था के लिए विशेष रूप से चिंता भी होनी चाहिए, और चिंता है, और इसमें स्मार्ट सिटी में सबसे ज़्यादा इसको ध्यान भी दिया गया है। चाहे आवास की व्यवस्था हो, उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र की जो प्रधानमंत्री शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसमें भी हमने पूरा सहयोग करके 1.5 लाख रुपया प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं एक आवास के लिए। हम उसमें 1 लाख रुपये मिलाकर 2.5 लाख रुपया दे रहे हैं कि जिन लोगों को आवास जिनके पास नहीं है और जिनकी आमदनी 30,000 रुपये, जिनकी आमदनी 3 लाख रुपये सालाना है, उन लोगों को हम आवास भी दे रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि एक ऐसा ऐतिहासिक कदम है जो बरसों से लोग प्रतीक्षा में थे। आदमी का पेट भरने के बाद गरीब आदमी ये ज़रूर चाहता है कि उसके सर पर उसकी छत हो, और इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 तक सभी के सिर पर छत हो, इस दिशा में लगातार प्रयास चल रहा है, और ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र तक इस वर्ष 15 लाख परिवार लाभान्वित हो सकेंगे। वैसे तो ये योजना प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में लॉन्च की गई थी, लेकिन लोगों को चिन्हित ही नहीं किया पहले के लोगों ने। अगर चिन्हित कर दिया होता तो शायद इसमें काफ़ी कुछ लोग आवास पा भी चुके होते, लेकिन
दे रहा है, दुरुस्त आए। अब इसको लगातार इस दिशा में हम लोग चल रहे हैं, लोगों के पास आवास हो जाए। एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पेयजल और जो भूगर्भ जल स्तर है लगातार, ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। लगातार भूगर्भ जल स्तर गिर रहा है, हम हार्वेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से, रेन हार्वेस्टिंग, जिस प्रकार से पानी को हम किस प्रकार से संचित करें और उसको रिचार्ज करें, ये एक हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दुनिया के बहुत से देश, खासतौर से इज़राइल में, तो इस प्रकार की व्यवस्था है कि 100 मीटर रेंज में अगर कोई वाटर टैप खुला हुआ हो और वहाँ से पानी टपक रहा हो, तो उनके पास अपना उनका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इतना मजबूत है कि वो उनको कंट्रोल रूम को ये पता चल जाता है कि यहाँ पानी वेस्ट हो रहा है, और उसको वो फौरन अलार्म करते हैं, फ़ोन करते हैं कि इसको ठीक करवाइए, सेटेलाइट करवाइए। और 60-90% तक पानी वहाँ पर रिसाइकिल होता। हमारे यहाँ सरफेस वाटर हम भी कोशिश करते हैं कि उसको हम ट्रीट करने के बाद लोगों के यूज़ में ला सकें। ग्राउंड वाटर जितना ज़्यादा उसके उसका दोहन कम से कम हो सके, क्योंकि हमारे 270 से ज़्यादा ब्लॉक अभी तक डार्क उसमें आ चुके हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तक कोई भी बहुत ज़्यादा फूल प्रूफ सिस्टम उत्तर प्रदेश में कम से कम ये ऐसा नहीं हो पाया कि हम 10-20 करोड़ रुपया खर्च करें और 2-3-4-5 मेगावाट बिजली बनाएं और पूरे के पूरे सॉलिड वेस्ट को उसमें कंज्यूम करके उसको किसी जो रिसाइकिल आइटम्स हैं उसको रिसाइकिल करके या जो वेस्ट हैं उनको RDF के रूप में इस्तेमाल करके उसको बनाएं। ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं हमारे सामने और हम इसमें लगातार प्रयास भी जारी है। अभी एक बाराबंकी में, एक पिलखुआ में 2 कारखाने लगे हैं, अभी उसका इनॉग्रेशन नहीं हो पाया। उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है, जौनपुर के रहने वाले हैं मिस्टर तिवारी, उन्होंने इसमें प्रयास किया है काफ़ी, और हम समझते हैं कि अगर वो सिस्टम पूरी तरीके से कामयाब हो जाए तो हम उस चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। और ग्राउंड वाटर भी उसको रिचार्ज करना, ये भी हमारी प्राथमिकता में। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने जापानीज़ मिनिस्टर को। भारत और जापान का एक स्थायी रिश्ता रहा है बरसों से, और उनके माध्यम से हम कई योजनाएं भी यहाँ पर चलाते हैं। पहले भी हमने उनके माध्यम से, उनके सहयोग से, जायका के माध्यम से कई योजनाओं को हमने अंजाम भी दिया है, एंड आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट जेस्चर। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने जापानीज मिनिस्टर को कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने इस कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट भी किया और अपने विचारों से अवगत कराया। और हम चाहते हैं कि आगे भी हमें सहयोग भी, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम सहयोग चाहते हैं, और वैसे भी वो हमारा सहयोग जापान करता रहा है, और हम भविष्य में भी ये चाहेंगे कि भारत और जापान के रिश्ते और अधिक मजबूत हों और अधिक प्रगाढ़ हों। और हम इस जंक्चर पर उनका विशेष रूप से इस्तकबाल करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। भाई हमारे सीनियर विधायक श्री शत्रुत प्रकाश जी ने विशेष रूप से जो चिंता व्यक्त की है, ऐसे मौके पर मैं ज़रूर इस बात को आश्वस्त करना चाहूँगा इस कॉन्क्लेव के माध्यम से कि वाराणसी का जो ऐतिहासिक और पौराणिक स्वरूप है, जो उसका मूल चरित्र है, वो बदलने नहीं जा रहा। आपने अपनी किताब में स्मार्ट को शब्दों में उसके शाब्दिक अर्थ लिखे हैं, मैंने देखा है। चुस्त दुरुस्त एक पर्शियन शब्द है, एक फारसी का शब्द है चुस्त दुरुस्त। हालांकि मैं आप जानता हूँ आप बहुत दिनों से हिंदी की वकालत करते रहे हैं, लेकिन हिंदी में आपने उसका तर्जुमा नहीं किया। पहला उसका अर्थ आपने चुस्त दुरुस्त करके दिया, तो जब आप स्वयं चुस्त दुरुस्त करके ही उसको स्मार्ट को परिभाषित कर रहे हैं, तो उसके आगे मुझे कुछ भी नहीं कहना। स्मार्ट का मतलब यह है कि हम हर चीज़ में अपनी जो बुनियादी ढांचा है, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, उसको हम प्रोवाइड करें और
आगे बढ़ें। दुनिया के दूसरे देश अगर दिन भर हम मैनचेस्टर में या इंग्लैंड में, कई सिटी ऐसे हैं, या अमेरिका के शिकागो में, जहाँ पर दिन भर घूमने के बाद कालर गंदा नहीं होता, उसका आधार यह है कि उसमें बिल्कुल धूल नहीं है। हम साफ सुथरे माहौल में रहें। बहुत से लोगों को अगर नाक से सांस लेते हैं तो आँखों में, नाक में तमाम तरीके की बीमारी हो जाती हैं, उस गंदगी को किसी न किसी रूप में आँखों में पड़ने से या नाक के माध्यम से हम अंदर शरीर के अंदर जाने से। तो स्मार्ट का अर्थ हम शाब्दिक उसमें चक्कर में अगर न भी पड़ें तो भी हमको ये सोचना चाहिए कि हमने एक साफ सुथरे माहौल में, एक खुले माहौल में शुद्ध हवा हमको मिले, शुद्ध पानी हमको मिले, और जो हमारे आसपास का सराउंडिंग एटमॉस्फेयर ऐसा हो कि जिसमें हम खुले वातावरण में, खुले माहौल में हम सांस लेकर इंडिविजुअल डेवलपमेंट कर सकें। ये एक स्मार्ट सिटी का एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है जो मैं समझता हूँ। और हम समझते हैं कि ज़्यादा शाब्दिक अर्थों में न जाकर जो गाइडलाइंस उन्होंने पढ़ी हैं उसको ही कम से कम देख लें, तो उसमें हर तरीके का उनकी ही बात का जवाब भी है। और ये पूरी तरीके से हम उनको आश्वस्त भी करते हैं कि हमने ये भी कहा है कि DPR बनाने से पहले विधायकों का मशवरा, विधायकों की राय ज़रूर ले ली जाए, जो उसके बाद उपयुक्त हो वो किया जाए, लेकिन राय ज़रूर ली भी जाएगी, लिया जाएगा मशवरा, इसमें कोई हमको गुरेज भी नहीं है। और जब हम खुद ही भारत सरकार ने बनाए हैं गाइडलाइंस, भारत सरकार की जब गाइडलाइंस है तो हम उसका पालन करने के लिए हम मन से भी तैयार हैं, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अगर हम एक डेमोक्रेसी का मूल उद्देश्य यही है कि हम एक व्यक्ति, अलग अलग हमारे विचार हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, लेकिन उद्देश्य वाराणसी का डेवलपमेंट है, वाराणसी को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम वाराणसी का मूल चरित्र या इसका ऐतिहासिक या पौराणिक स्वरूप बदलने जा रहा, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इसमें आपको शंका भी नहीं करनी चाहिए। और आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छे मन से, अच्छे उद्देश्य से इन शहरों को टेकअप किया है, और एक फेजेस में हम चाहेंगे कि पूरा प्रदेश ऐसा बने, पूरा प्रदेश स्मार्ट बने, ये हमारा भी उद्देश्य है, और लगातार हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं। हमने ये पूरे प्रदेश के लिए ये निश्चित कर रखा है कि निगमों में और नगर पालिका परिषदों में हर महीने हम इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि एक साल के अंदर मानक के अनुसार 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, 150 लीटर प्रतिदिन प्रति व्यक्ति हम मानक के अनुसार लोगों को पानी उपलब्ध कराएं, और हर महीने इसकी मीटिंग करेंगे, हर महीने इसकी समीक्षा करेंगे कि लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, किसी प्रकार का उनके मन में शंका भी न हो जब पानी पिए कि ये पानी ऐसा तो नहीं कि इसमें मन में शंका लेगी कि अरे अगर ऐसा ये नहीं है। तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की भी कोशिश है, और हर प्रकार से जो भी एक प्रकृति प्रदत्त सुविधाएं हैं व्यक्ति को मिलें, उसका इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए वातावरण बने, वो खुले माहौल में सांस ले सके, शुद्ध हवा मिल सके, शुद्ध पानी मिले, अच्छी पार्कों की सुविधा, अच्छी पार्किंग की सुविधा उसको मिले, यहीं तक मैं एक कॉमन आदमी का मतलब होता है स्मार्ट सिटी का। और जो भी सुविधाएं, बेसिक एमिनिटीज जो भी हम दे सकते हैं इसके साथ साथ, वो भी हम उपलब्ध कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हम आज सब लोग यहाँ पर पधारे, हम चाहते हैं कि आप लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन विशेष रूप से रहे, और सब लोगों का हम पार्टिसिपेशन सीख करना चाहते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि काफ़ी लोगों ने इसमें रुचि दिखाई है, काफ़ी लोगों ने इसमें दिलचस्पी ली है। मैं एक बार फिर से मंचासीन लोगों को और हमारे समक्ष बैठे हुए लोगों को, हम सबको धन्यवाद देते हैं कि इस स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को, इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, और अधिक इसको जल्दी से जल्दी हमको जो हमारी योजनाएं हैं उनको कार्य रूप देने के लिए आप लोगों ने जो यहाँ पर पार्टिसिपेट करके इसकी शोभा बढ़ाई और यहाँ पर अपना मन, अपनी रुचि जाहिर की, इसके लिए एक बार फिर से हम सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं।